भाई हमने फ्री रेडिकल करा जिसमें इंटरमीडिएट क्या था, फ्री रेडिकल था। अब हम बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म इन विच, हेडिंग डाल लीजिए रिएक्शन मैकेनिज्म या रिएक्शन इन विच कार्बो कैटायन इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। तो जब हम इस चीज को करते हैं कि कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट है, तो हम इसको कैसे देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले कार्बो कैटायन क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं। कार्बो कैटायन है क्या? कार्बो कैटायन है हमारे लिए यहां पर कार्बन पे प्लस, और कार्बन पे प्लस होता है तो उसकी कितनी वैलेंसी होती है, तीन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहता है, sp2। शेप कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। आप मान के चलिए कि अगर आपको कभी ऐसा कोई कार्बन है ए बी सी और ये निकल चुका है लिविंग ग्रुप है, कोई भी लिविंग ग्रुप मतलब हटने वाला एलिमेंट, तो जब आपके पास ऐसा कुछ होता है तो ये कार्बन ए बी सी और यहाँ आपके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल बनता है जो आधा ऊपर और आधा नीचे है, और यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है कुल मिला के, ठीक है। अब जब भी कोई उस पे स्पीशीज आएगी तो वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, ये दिमाग में हमेशा बैठा के चलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कार्बो कैटायन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बो कैटायन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो हम बात भी इसी की कर रहे हैं, कार्बो कैटायन की। कार्बो कैटायन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये तो हमने छोटा सा पढ़ा कार्बो कैटायन के बारे में इंट्रोडक्शंस, आपको समझ में आ गया। तो जनरली आपको कार्बो कैटायन की रिएक्शन कैसे दिखेगी, ये सब्सटेंस होगा आपके पास पक्का, ये कार्बो कैटायन बनाएगा आपके पास जो कि अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बाद में आपके पास अगला पॉइंट बनेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन एनायन या इलेक्ट्रॉन रिच आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच को आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और आपके फाइनल प्रोडक्ट को बनाएगा। ये आपको रिएक्शन मैकेनिज्म देखने को मिलेगी। लेकिन हो ये रहा है कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, तो क्या कार्बोकैटायन आपस में एक इंटरमीडिएट से दूसरा इंटरमीडिएट बना सकता है? हाँ, ये आपके दिमाग में अंदर तक बिठा के रखिएगा कि इंटरचेंज भी हो सकता है, यानी एक इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट जो भी आपके पास है इंटरमीडिएट कन्वर्ट इन यानी इंटरमीडिएट कौन है यहां पर, कार्बो कैटायन, कन्वर्ट इन अनादर इंटरमीडिएट, अनादर स्टेबल इंटरमीडिएट। लेकिन एक बात बताइए, एक इंटरमीडिएट दूसरे इंटरमीडिएट में चेंज होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि कैटायन एनायन में चेंज हो जाएगा, नहीं। तो किस में चेंज होगा, यानी कि एक एडायन दूसरे कैटायन में चेंज हो जाएगा, अनादर स्टेबल इंटरमीडिएट या स्टेबल कैटायन, अक्सर ऐसा देखने को मिला है। तो जब हमारे पास आ रहा है यहां पर कॉन्सेप्ट कि हम जब इंटरमीडिएट की देख रहे हैं तो पहले हम इंटरमीडिएट का कन्वर्जन जरूर सीख लें पहले। तो मैं आपको इंटरमीडिएट का कन्वर्जन दो तरह से समझाने वाला हूं। पहला, बल्कि दो नहीं तीन, फर्स्ट कन्वर्जन यानी कि एक कन्वर्जन,
ऑफ कैटायन या इंटरचेंज, इसको बोल सकते हैं इंटरचेंज ऑफ कैटायन बाय रेजोनेंस। ये आपने हर जगह देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपके पास ये, आपके पास कार्बोकेटायन है, यस और नो? और जिस कार्बन पे केटायन है वो अपने आप में एक रेडियो एक्टिव कार्बन है, कार्बन 14, यस और नो? तो क्या ये कार्बोकेटायन चेंज हो सकता है इस जगह? हाँ, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा और कार्बोकेटायन इधर जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, और ये रेडियो एक्टिव कार्बन आपका यहां रह गया। यानी जो कार्बोकेटायन पहले रेडियो एक्टिव कार्बन पे था, कार्बन 14 पे था, अब वो नॉर्मल कार्बन पे आ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच है या न्यूक्लियोफाइल है वो पहले यहां अटैक करता, यहां अटैच होता था, अब वो यहां अटैच होगा। तो क्या अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलेगा? हाँ, अगर आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे ऐसे तो आप क्या होंगे? गलत होंगे। अब आप कहेंगे सर ये रेडियो एक्टिव यानी कार्बन 14 क्यों लिया? अगर मैं नहीं लेता तो पता भी नहीं चलता आपको कि प्रोडक्ट अलग अलग है, फिर तो एक ही प्रोडक्ट बनता। लेकिन अब तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक इससे और एक इससे, क्योंकि ये एक दूसरे की कौन सी स्ट्रक्चर है? रेजोनेंस। कभी प्लस चार्ज यहां रहेगा, कभी चार्ज यहां रहेगा, पक्का? तो अब आप मेरे को बताएं कि अगर यहां पर कार्बोकेटायन है तो कितने प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे आपको? देखो ये रेजोनेंस हुआ, ये इधर गया, प्लस ये इधर गया, क्या दोनों सेम ही है? हाँ। तो आपको अगर ये कार्बोकेटायन है केस फर्स्ट, तो आपको दो आंसर थे, दो टू प्रोडक्ट्स, और केस सेकंड इसमें भी आपके पास कितने होंगे? टू प्रोडक्ट्स, दो ही प्रोडक्ट्स होंगे। आप बोल नहीं सकते कि यहां पर ये क्या है आइडेंटिकल। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे खुद का, बोलो यस और नो? ये बारीकियां हैं सब्जेक्ट की जो आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट केस थर्ड, अगर आपने यहां पर ये रेडियो एक्टिव कर दिया होता और इसी पे प्लस भी रख देते, तब भी तीन तीन आता या दो? चेक कर लो, ये इस तरफ गया, ये यहां आया प्लस, सही है, और ये यहां है प्लस, यहां आ रहा है। क्या ये दोनों सेम है? देखो ध्यान से, प्लस के बाद पाई बॉन्ड और फिर रेडियो एक्टिव और दिस, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइडेंटिकल है। मुझसे यहां गलती हो गई थी, लास्ट के दो आइडेंटिकल थे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने गलती सुधार ली, दो ही बनेंगे आइडेंटिकल। बोलो या सुनो, तो यहां पर भी आपका आंसर क्या होगा? दो ही होगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये यहां होता प्लस यहां होता और रेडियो एक्टिव यहां होता, रेडियो एक्टिव कार्बन स्टार से बना रहा हूं मैं, तो कितने होते? प्लस प्लस, क्या ये आइडेंटिकल है? और अगर ये आइडेंटिकल है तो आंसर आपका कितना जाएगा वापस? दो ही जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? तो ये केस फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका बिल्कुल क्लियर है। मतलब मैं यहां पर लेने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास
एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऑब्वियसली ये तो हमें बनाना है, ये इंटरमीडिएट चेंज करना है। एक सेकंड के लिए सोचो कि ये कहाँ देखने को मिलेगी। हो ये रहा है कि आपके पास कार्बोकेटायन यहां है, ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन अभी इस तरह से चेंज हो जाता है बस। तो एक तरह से यहां पर 1 डिग्री था, अब ये 2 डिग्री में हो गया बस। तो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन दिखेगा, और ज्यादा हाइपर कंजुगेशन है ज्यादा स्टेबल, तो ये प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट? ये, इसको बोलेंगे 1-2 शिफ्टिंग। नेक्स्ट, यानी हाइड्रोजन का मूवमेंट हुआ है, और ये हाइड्रोजन जो पहले ये था ये उठ के यहां चला गया, और उसके बदले में प्लस आया। तो ये कौन से इफेक्ट से हुआ है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन आप मेरे से पढ़ ही चुके हो, लेकिन क्या इसके बाद ये यहां जाने की कोशिश करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? उसे कोई फायदा नहीं है। अब ये यहां पर है, 2 से 2 में नहीं जाएगा। पहले ये 1-2 शिफ्टिंग होके यहां आया, आया या नहीं आया? अब ये 3 डिग्री में आने की कोशिश करेगा, तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 3 डिग्री। तो मेजर कौन सा रहेगा? ये। ठीक है, 1-2 शिफ्टिंग आ गए। बात कुछ खास पॉइंट्स जो हमारे को और समझने हैं, ये हमारे पास था, ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड केस, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट। ये है कि हमारे पास 1-2 शिफ्टिंग होके ये यहां आया, आ गया, इसको क्या बोलेंगे? 1-2 शिफ्टिंग। अब क्या होगा? अब एल्काइल ग्रुप वहां जाएगा और प्लस यहां आएगा, ये भी 1-2 शिफ्टिंग है। तो आप फिर कहेंगे सर हाइपर कॉन्जुगेशंस के अंदर तो हाइड्रोजन ही शिफ्ट होता था, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है तो एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन की है। तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा? 1-2 शिफ्टिंग यहां पर भी है, एल्काइल यानी आर शिफ्ट। तो ये हमारे पास जो शिफ्टिंग हुई है आर शिफ्ट, अल्फा बीटा शिफ्टिंग बोल दो, 1-2 शिफ्टिंग बोल दो, आप किसी भी तरह से। तो सबसे ज्यादा शिफ्टिंग नेचर किसका होगा? तो शिफ्टिंग यानी कि हम इसको बोल सकते हैं मूवमेंट या चेंजेस। तो यहां जो शिफ्ट होगा सबसे पहले कौन सा होगा? हाइड्रोजन, फिर उसके बाद फिनाइल ग्रुप पीएच, फिर उसके बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और सबसे बाद 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटा सा पॉइंट्स रहा कि हम किसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पक्का? तो लिखें इसको। शिफ्टिंग नेचर में आपको अलग अलग तरह के कार्बोकेटायन बनते हुए दिखाई देंगे और अलग अलग प्रोडक्ट भी दिखाई देंगे। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल हो और प्लस यहां पर है, तो आप बड़े प्यार से यहां तक तो ले जाओगे, 1-2 शिफ्टिंग करके यहां ले आओगे, लाओगे या नहीं लाओगे? ले आओगे। अब फिर 1-2 शिफ्टिंग करते वक्त आपको ये चीज रखनी पड़ेगी कि पूरा एल्काइल ग्रुप वहां ले जाना है और उसके बदले में आपको कार्बोकेटायन लेना है। ये आपने 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप को वहां ले गए और बदले में प्लस ले लिया। बोलो, समझ में आया? तो ये आपके पास अब इस तरह से किसी भी एल्काइल ग्रुप को ले जा सकते हैं, लेकिन उसको ले जाने की कोशिश ज्यादा की जाएगी, ज्यादा आसानी, जो ज्यादा डिग्री रखता है एल्काइल की। जनरली हम ये देखते हैं कि जिसमें
प्लस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट ज्यादा हो, उसकी शिफ्टिंग ज्यादा आसानी से हम करते हैं। तो ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा आपका, लिखिए कार्बोकेटाइन से रिलेटेड। तो कार्बोकेटाइन के अंदर एक स्टेप और हम आगे जाएंगे, बहुत आसान है। कार्बोकेटाइन की रिंग एक्सपांशन की पोजीशंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, 1-2 शिफ्टिंग ही कहलाता है, लेकिन थर्ड केस बनाएंगे हम, 1-2 शिफ्टिंग, 1-2 शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन विद रिंग एक्सपांशन, विद रिंग एक्सपांशन। यानी एक कार्बन अपने बगल वाले कार्बोकेटायन बना देता है, एक कार्बोकेटायन अपने पास वाले को बना देता है, शिफ्ट करता है, कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है और साथ में रिंग भी एक्सपांशन हो जाती है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हमारे लिए रहेंगे। रिंग एक्सपांशन क्यों हुई, हमें अच्छे से मालूम है बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी से कि छोटी रिंग हमारे लिए स्टेबल नहीं है। तो हमारा पहला पॉइंट यही रहेगा, वी नो वेरी वेल, वी नो दैट स्मॉल रिंग आर लेस स्टेबल बाय बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, आपने इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है मुझसे, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होती है, जैसे जैसे रिंग बढ़ती जाती है स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, बोलो बढ़ती है या नहीं बढ़ती। लेकिन 6 मेंबर के बाद ये क्या होने लग जाती है, कम हो जाती है। तो हमें तो यहीं तक करना है वैसे भी, लेकिन अगर आप 7 मेंबर पे जाओगे तो ये कम हो जाएगी। तो ये अगला पॉइंट होता है कि अगर कोई कार्बन पे प्लस चार्ज जस्ट आफ्टर रिंग में हो तो वो रिंग एक्सपांशन करेगा, अपनी रिंग को बढ़ाएगा। यानी तो हम क्या बोलेंगे, इफ अल्फा पोजीशन ऑफ रिंग, अल्फा पोजीशंस ऑफ रिंग कार्बन हैव पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, देन ड्यू टू 1-2 शिफ्टिंग, ड्यू टू 1-2 शिफ्टिंग रिंग एक्सपांड। तो ये 1-2 शिफ्टिंग होती कैसे, मैकेनिज्म देखो आप, इसके लिए मैकेनिज्म किस तरह से होगी। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, रिंग है, कोई भी एक रिंग ले लिया मैंने, मान लीजिए ये रिंग है आपके पास और इसकी अल्फा पोजीशन यहां है, ये अल्फा पोजीशन है, प्लस चार्ज यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, तो क्या होगा, होगा बहुत इजी है कि ये वाला बॉन्ड शूट टूटकर कहां जाएगा, यहां जाएगा, बिल्कुल जाने दीजिए, समझ में आ रहा है। तो जब ये पॉजिटिव यहां जाएगा तो ये पूरा का पूरा एक तरह से यहां जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहां गए, तो आपको क्या दिखाई देगा, अब ये यहां चला गया तो ये जो है आपके पास कुल मिला के ये इस तरफ चला गया, तो ये वाला तो न्यूट्रल हो जाएगा प्लस और माइनस मिलके, और इसके पहले वाले पे ये वाले कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, प्लस, तो यहां पर प्लस आ जाएगा। तो ओवरऑल आप मिला के आप क्या बोलोगे, प्लस चार्ज यहां आ गया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं फिर बता देता हूं, नंबरिंग कर देता हूं मैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर ये आ जाएगा और ये 1-, तो ये 1- वाला कार्बन नहीं है, यहां ये आपके लिए क्या हो जाएगा, 1- वाला कार्बन है ये, फिर 1, यहां 1 आएगा, बिल्कुल ये 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 1- वाला भी अब रिंग का पार्ट बन गया, सही है। और अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो सेकेंडरी मैकेनिज्म आपका इंतजार कर रही है जो आपको और इजी बताएगी। ये है आपके पास कार्बोकेटायन यहां पर, बोलो है या नहीं है, है, समझ में आ रहा है। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, यहां प्लस है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, कर दिया, और
इस पे प्लस और इस पे माइनस लगा दो, दोनों इलेक्ट्रॉन आप इस तरफ शिफ्ट कर दो, कर दिया आपने। अब इन दोनों की बॉन्डिंग करा दो प्लस और माइनस की, करा दिया आपने, देखो हो गया बस। तो जब आप ये बॉन्डिंग कराओगे तो ये वाला जो प्लस है वो यहां हो गया, बाकी ये हो गए किसी भी जगह। बोलो यस और नो, समझ में आ गया? तो ये कार्बोकेटायन का शिफ्टिंग हो गया, तो ये भी कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग है। इंटरमीडिएट अगर ये बन रहा है तो आपका इंटरमीडिएट आपस में ही चेंज होकर ये बन जाएगा, और ये मोर स्टेबल होगा, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। और एक मंत्र में आपको फिर बोल रहा हूं, इंटरमीडिएट की 1-2 शिफ्टिंग जो होती है वो इंट्रा रिएक्शन होती है या इंटर रिएक्शन होती है? इंट्रा, बिल्कुल सही कहा, इंट्रा, क्योंकि एक ही रिएक्शन के अंदर सब कुछ हो रहा है और इंट्रा रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो जितनी भी शिफ्टिंग हुई है, 1-2 शिफ्टिंग या आपके पास रेजोनेंस शिफ्टिंग, वो सारी इंट्रा है। तो इंटरमीडिएट कन्वर्जन, एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा रिएक्शन, एंड सो दैट दे आर फास्ट रिएक्शन, बस सो इजी। लिखे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बस प्रैक्टिस हमें और करनी है, तो हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ, करें। आपको ये समझ में आ गया? चलिए, तो कुछ एग्जांपल की प्रैक्टिस आपके लिए सबसे अच्छी अप्रोच क्या है, जो मैंने लास्ट में बताई, सेकेंड अप्रोच, ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा बनाना। ऐसे बना लिया करो तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये है, समझना, या ये प्लस यहां पर है, तो कैसे हम करेंगे इंटर से? सबसे पहले 1-2 शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी, जल्दी से बताएं। 1-2 शिफ्टिंग, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्या ये हो जाएगी? हाँ, यहां कौन सा ग्रुप था? हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन कहां जाएगा? यहां। बोलो जाएगा या नहीं जाएगा? हाइड्रोजन का मूवमेंट सबसे फास्ट होता है, देन फिनाइल, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, वेरी गुड, लॉक कर दिया जाए। तो क्या यहां पर 1-2 शिफ्टिंग हो गई? अभी एक बार हो चुकी है। अब अगली स्टेप में आप इसको कैसे देखेंगे? यहां प्लस लगा दो, यहां माइनस लगा दो, यहां प्लस लगा दो, समझाने के लिए बीच वाली स्टेप। और यहां से ये मूवमेंट, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये वाला बॉन्ड आपने यहां शिफ्ट कर दिया, तो यहां प्लस आएगा और यहां पर क्या आएगा? माइनस। और अब इन दोनों बॉन्डिंग कर दीजिए। तो जब आप इन दोनों की बॉन्डिंग करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ये अब आपके पास जो 5 कार्बन की थी वो कितने कार्बन की हो गई? 6। और इस जहां से प्लस माइनस मिला है वहां पर अभी एक है, और उसके बगल वाले कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? प्लस। वो आप इधर लगाओ या इधर लगाओ, बात एक ही है, इजी और वेरी इजी, वेरी इजी। तो दोस्तों ये आपके लिए हो गया 1-2 शिफ्टिंग करने का सबसे आसान तरीका। एक और एग्जांपल आप करेंगे, अब आप करेंगे, कार्बोकेटाइन की 1-2 शिफ्टिंग करके आपको ये बताना है फाइनल कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल बनेगा। तो आपका एग्जांपल यही है, फाइंड द स्टेबल कार्बोकेटाइन इन फॉलोइंग एग्जांपल्स या पॉइंट्स। लिखिए, करना शुरू करते हैं। एक और एग्जांपल ले रहे हैं,
एक और एग्जांपल करते हैं, करिए तीनों एग्जाम्पल करिए। देखिए हम बात कर रहे हैं कि यहां 1-2 शिफ्टिंग होगी तो क्या होगा। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चंस में ये रखिए, ये प्लस 1-2 शिफ्टिंग होके यहां हो जाएगा, 1-2 शिफ्टिंग होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से कर लीजिए, यहां माइनस और यहां पर क्या लगाएंगे प्लस, और यहां टच करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, अगेन 1-2 शिफ्टिंग हो जाएगी, 1-2 शिफ्टिंग। और अब आपके पास कितने कार्बन की रिंग हो जाएगी, 6। और जब ये मिल जाएगा तो जिस कार्बन पे ये दोनों अटैच होंगे उस कार्बन पे कितने ग्रुप दिखाई देने होंगे आपको, 2। और उस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे क्या दिखाई देगा, प्लस, क्योंकि ये बॉन्ड टूट चुका है। बोलो यस और नो। तो ये आपको दिखाई देगा, क्या अभी भी 1-2 शिफ्टिंग होगी, हाँ अभी भी 1-2 शिफ्टिंग होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे पास 2 डिग्री, क्या 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, हाँ। लेकिन अब यहां कौन सा मूवमेंट होगा, इस मिथाइल ग्रुप का मूवमेंट होगा यहां पर, और ये कार्बो कैटायन अब आपके पास कहां जाएगा, यहां। बोलो क्लियर है। तो यहां 1-2 शिफ्टिंग आपको कितनी बार देखने को मिल रही है, 2 बार, 3 बार, बस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बो कैटायन ये बनेगा लास्ट वाला, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको, कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3, 2, 5 और 1, 6, और ऊपर वाले में कितने दिख रहे हैं, 2, बस। आ रही है बात समझ में? तो 1-2 शिफ्टिंग स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है और वो स्टेबिलिटी यहां पर गेन कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका स्टेबल कार्बोकेटायन क्या होगा तो आपका आंसर ये जाएगा। अच्छा एग्जाम्पल था, आप बस प्रैक्टिस किए जाए। पहला सही है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, यहां 1-2 शिफ्टिंग देखने को मिल रही है आपको, यहां पर सीधा है, अगर मैं यहां पर प्लस है तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, प्लस, नहीं, यहां पर माइनस और यहां पर क्या लगाऊंगा मैं, प्लस। और जब मैं इसको अटैच करूंगा तो अब आपकी रिंग कितने कार्बन की हो जाएगी, जल्दी से बोलें, 5 की हो गई, ये 5 की हो गई। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो नंबरिंग रूल यूज कर लें आप, जिस कार्बन से अटैच हो रही है उस पर एक अल्काइल ग्रुप है और उसके पास यहां पर क्या है, कार्बोकैटायन। बोलो है या नहीं है, बोलो है या नहीं है, है। तो जब यहां पर है तो आपके दिमाग में ये आएगा कि ये दोनों तो यहां अटैच हो गए और यहां पर प्लस है, और प्लस जिस कार्बन पे उससे देखा जाए तो 1-2, 1-2 छोड़कर, 1 और 2, 2 पे छोड़ के आपके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है। बोलो यस, क्लियर है। क्या अभी भी 1-2 शिफ्टिंग हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्यों नहीं होगी, यहां पर हाइड्रोजन है। और अब आपको एक और 1-2 शिफ्टिंग देखने को मिलेगी और वो ये होगी, ये कार्बोकैटायन वापस यहां जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, आप ये वाली 1-2 शिफ्टिंग को हो सकता है कभी भूल जाओ जो मैंने अभी कराई है। क्यों, क्योंकि कभी कभी हम सब भूल जाते हैं। देखो बोर्ड पर एक जगह है जहां पर मैंने 1-2 शिफ्टिंग एक जगह नहीं कराई है, और वो है, आपने नहीं पूछा, यहां पर भी 1-2 शिफ्टिंग एक बार और होगी, बोलो है या नहीं है, हाइड्रोजन मूव करेगा यहां पर, यहां पर एल्काइल ग्रुप मूव करा था, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देख लीजिए, क्या यहां 1-2 शिफ्टिंग होगी, और आपके पास क्या बन जाएगा, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, सही है, बोलो है या नहीं है। क्योंकि यहां पर फिन वो है, क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, और डांसिंग रेजोनेंस है तो ये काफी स्टेबल है, ठीक है ना, रिंग एक्सपांशन बहुत कम के बराबर होगी तो मोर स्टेबल यही है, कोई डाउट। तो डांसिंग रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबल है, लेकिन आपको साइड प्रोडक्ट ये भी मिलेगा, यहां रिंग एक्सपांशन है भी पॉसिबल है, स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। अपन डांसिंग रेजोनेंस किसको बोलते हैं, आपने मेरे से पहले भी पढ़ा है,
ये वाला बॉन्ड पाई की तरह ट्रीट करता है और ये अटैच होता जाता है, ठीक है। तो जब भी साइक्लोप्रोपाइल हो तो डांसिंग रेजोनेंस देखने को मिलता है आपको, और जगह ये देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये वाला स्टेबल है। लेकिन कुछ क्वांटिटी में ये भी बनेगा कि वही वन टू शिफ्टिंग होगी, ये यहां जाएगा और कार्बोकेटाइन कहां बनेगा, यहां। फिर क्या होगा, वन टू शिफ्टिंग होगी, 3 डिग्री बनेगा। तो फाइनली या तो ये बनेगा या फिर आपको ये दिखाई देगा। मेजर हल्का सा 19-20 का फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो काफी स्टेबल है। आ रही है कुछ कुछ समझ में आई बात? तो आप मेजर उसको बनाएंगे, ये माइनर थोड़ा सा लॉक कर दें, लिखो इसको। मेजर यही होगा, थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा इन दोनों की क्वांटिटी में। शिफ्टिंग इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दोनों ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि यहां पर भी कार्बोकेटायन देखने को मिलेगा और यहां पर भी मिलेगा। कोई डाउट? ये इसलिए स्टेबल है क्योंकि इसमें डांसिंग रेजोनेंस है। ये इसलिए स्टेबल है कि एक तो रिंग ज्यादा बड़ी है और बाकी तो आप समझ ही सकते हैं, ज्यादा बड़ी रिंग होना भी स्टेबिलिटी ज्यादा शो करता है कहीं ना कहीं। हाँ या ना, पकड़ लें इसको। ये था उस एग्जाम्पल को ही मैं अपने वर्ड्स में दे रहा हूँ, फाइंड करना है। हमने तीन एग्जाम्पल करे थे, तीन या चार, हम एक और बढ़ा देते हैं। आप देखिए, ये हमारे पास है और कार्बोकेटाइन हमारा यहां है सपोज, और इसका स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है। हमने वन टू शिफ्टिंग करी और कार्बोकेटाइन कहां ले गए, हम यहां पर, बस पक्का। अगर ये यहां चला जाता तो ये यहां पर भी जाता, लेकिन यहां पर भी ये क्या है, 2 डिग्री है, और यहां पर भी क्या है, ये 2 डिग्री है। तो क्या फर्दर वन टू शिफ्टिंग होगी क्या? नहीं होगी, नहीं, इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि यहां पर जाने पे नहीं हो रही है, यहां जाने के लिए कोई एनर्जी यानी कि बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो आगे भी नहीं जा पा रहा है नॉर्मल कंडीशंस पे, गिवन कंडीशंस पे, ठीक है। भाई मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा उसके बाद दूसरी बढ़ूंगा, लेकिन पहली नहीं बढ़ पा रहा तो मैं डायरेक्ट 2 स्टेप आगे कैसे बढ़ूंगा, वो वाली बात आ रही है। तो इस तरह के केसेस में आप यहीं पे स्टॉप कर देंगे, तो आगे 1-2 शिफ्टिंग नहीं करा रहे हैं क्योंकि सेम 2 डिग्री टू 2 डिग्री है, ना यहाँ पर रेजोनेंस का बेनिफिट मिल रहा है ना कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो ये आगे भी नहीं जा पाएगा, तो उसके आगे कैसे जाएगा। हाँ, अगर किसी फायदे से ये आगे पहुंच जाता सपोज, तो फिर आगे से आगे चलता जाता। तो वही है कि आपको इस तरह से भी सोचना पड़ेगा। यहाँ पर सोच लिया आपने, तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ले लें। हाँ यहाँ, हाँ ऑब्वियसली ये होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर 1-2 शिफ्टिंग पॉसिबल है और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। यहां इससे यहां, अरे अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन किसमें ज्यादा है बच्चे, क्या कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन डिसाइड करेगा, समझ में आ रहा है? तो कार्बन कौन सा स्टेबल होगा, ये तो ना स्टेबल है, ठीक है ना। आप रेजोनेंस देखते हो, फिर उसके बाद हाइपर कंजुगेशन देखते हो, फिर उसके बाद इंडक्टिव देखते हो, तो ऐसा क्वेश्चन ना पूछें जिसका आंसर आप खुद जानते हैं। हाइपर कंजुगेशन यहां ज्यादा है, ठीक है, लिखें इसको।